गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम गुड मॉर्निंग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 बन गया सभी का स्टैंडर्ड डिवीएशन का उसके बाद आप लोग स्टैंडर्ड डिवीएशन में कंटिन्यू सीरीज में बनाओगे आप लोग अभी तक जो हमने कल डायरेक्ट मेथड अंडरस्टैंड किया था ना सुनाई दे रहा है मेरा आवाज सभी को आवाज आ रही है मेरी यस मैम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बन गया क्वेश्चन नंबर 1 और 2 यस मैम दिखाइए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किसका बन गया आरती Thank you.
मेरी आवाज आ रही है सभी के पास? यस या नो? यस मैम। आप देखो क्वेश्चन नंबर वन कैसे बनाया आप लोगों ने, यहाँ पे साइज और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक है। फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डिविएशन बोला है, इट्स कोफिशिएंट बोला है, एक्स और एफ दे दिया है। साइज को आप एक्स मान लोगे क्वेश्चन नंबर वन में, और फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमको एफ एक्स डायरेक्ट निकाल लेंगे। पहले आप स्टैंडर्ड डिविएशन का या तो डायरेक्ट मेथड यूज करिए या तो शॉर्टकट मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड के भी आपके पास दो फॉर्मूला है जो मैंने आप लोग को दिया था। कौन कौन से थे दो फार्मूला जो मैंने आप लोग को सेंड किया था ना, हम लोग व्हाट्स प्रीवियस क्लास में अंडरस्टैंड किए हैं डायरेक्ट मेथड। एक ही क्वेश्चन को आप हर मेथड से सॉल्व करोगे तो वही आंसर आएगा, चाहे आप डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करो या स्टेप मेथड से या तो फिर शॉर्टकट मेथड से, ठीक है, वही आंसर आएगा आप किसी भी क्वेश्चन को अगर तीनों मेथड से सॉल्व करते हो। तो एक्स हमारे पास है और एफ का दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमने एफ एक्स निकाल दे। चलिए मैं बताती हूँ आप लोग को, देखो दिख रहा है क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डिविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट विथ फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब देखो यहाँ पे एक्स और एफ है, एफ एक्स निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले तो आप देखो कि आप कौन सा मेथड लगाना चाहते हो स्टैंडर्ड डिविएशन का। ये जो है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन का साइन ऐसे होता है, ठीक है। अब सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे मीन निकालना है। मीन बार एक्स जो है वो मीन निकला, मतलब समेशन एफ एक्स अपॉन एन। और ये वाला मेथड अगर आप यूज कर रहे हैं समेशन एफ डी का स्क्वायर अपॉन एन, तब भी बन जाएगा। या तो हमारे पास एक और फॉर्मूला था, डायरेक्ट मेथड के दो फॉर्मूला है आपके पास, ठीक है। एक आपका क्या है, रूट समेशन एफ डी का स्क्वायर अपॉन एन, और एक है स्टैंडर्ड डिविएशन समेशन एक्स का स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन और होल स्क्वायर टू, ठीक है। ये है आपका सेकंड वाला फॉर्मूला। अगर आप एफ डी स्क्वायर निकालेंगे तो आपको एफ डी निकालना पड़ेगा। अगर समेशन एक्स का स्क्वायर है एन है और समेशन एक्स निकालना है तो आप डायरेक्ट मीन से निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, डायरेक्ट मेथड, यहाँ पे आप शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले मीन निकालते हैं। तो एफ एक्स का टोटल कर लेते हैं, तो कितना आ गया आपका समेशन एफ एक्स, मीन निकल गया 12। ये एज्यूम वैल्यू है, जो यहाँ पे मीन दिया हुआ है ना आपका, कितना आ गया 12 आया है मीन। उसके बाद आप क्या करोगे, एक्स से माइनस करोगे, मतलब जो मीन निकला है आप उसको किससे माइनस करोगे, एक्स से माइनस करते जाओगे। तो माइनस टू माइनस वन और ये आया है, माइनस प्लस को इग्नोर नहीं करोगे। उसके बाद जब d निकल गया तो हमको किसकी जरूरत है, एफ डी स्क्वायर। तो सबसे पहले d का स्क्वायर कर लेते हैं, टू टू जा फोर, वन टू टू जा ये आ गया। अब एफ डी करना, मतलब f से मल्टीप्लाई करोगे तो एफ डी का स्क्वायर निकल गया, ठीक है। समेशन एफ डी का स्क्वायर आया 48। फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन रूट समेशन एफ डी का स्क्वायर अपॉन एन। एफ डी स्क्वायर कितना आया 48, और आपका n कितना है यहाँ पे 48 है, 1 आया, 1 का स्क्वायर निकाल लोगे। फिर कोफिशियंट निकालना, कोफिशियंट में आपका स्टैंडर्ड डिविएशन ये है, ठीक है, और मीन है ये। तो समेशन आपका 1 आया,
समझ आया क्वेश्चन नंबर वन? यस मैम। बना लोगे कॉपी में और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करोगे, ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू आप लोग का होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर थ्री में आओ। क्वेश्चन नंबर थ्री में देखो, यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया हुआ है। जब क्लास इंटरवल दिया रहता है तो ये कौन सा मेथड हो जाता है हमारा? कंटिन्यू सीरीज हो जाएगा ये, ठीक है? यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया है तो पहले भी आप लोग को बताया गया है कि जब भी क्लास इंटरवल दिया रहता है तो वहां पे हम कंटिन्यू सीरीज का यूज करते हैं, ठीक है? कंटिन्यू सीरीज का यूज करें मतलब हमारा फॉर्मूला तो स्टैंडर्ड डेविएशन से सेम निकल जाएगा। सबसे पहले क्या करोगे आप? मीन निकालोगे। ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को समझाया था ना, कंटिन्यू सीरीज वाला। साइज दिया हुआ है, इस फॉर्मूला से बनेगा ये, लिख रहे हैं? साइज दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, वैसी वहां पे क्लास इंटरवल दिया है आपका। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो, दिया हुआ क्लास इंटरवल, इसको आप कैसे निकालोगे? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट को प्लस करके टू से डिवाइड करोगे तो आपका मिडिल वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है? सबसे पहले सिंपल वेरिएबल्स में इसको कन्वर्ट करेंगे, तो दोनों को प्लस करने के बाद टू से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका सिंपल वेरिएबल जो मिड वैल्यू होता है सिंपल, वो आ जाएगा आपका 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है? ठीक है। उसके बाद मीन निकालेंगे। सबसे पहले मीन निकालने के लिए क्या करोगे आप? मीन निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, ये एक्स निकल गया हमारे पास, अब उसको एफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है? उसके बाद एक्स अपन मीन का निकालेंगे, एज्यूम वैल्यू किसी एक को ले लेना है। तो आपका तो मीन निकल गया है मान लो, तो मीन निकलने के बाद आप क्या करोगे? x माइनस मीन कर देंगे का स्क्वायर करेंगे, ठीक है? क्योंकि जो फॉर्मूला है आप इस फॉर्मूला से बनाओगे तो इसके अकॉर्डिंग आपको करना है। अगर नॉर्मल जो फर्स्ट वाला है इससे भी आप बना सकते हो, रूट समेशन डी का स्क्वायर अपॉन एन, डिजिट बड़ा रहेगा यहाँ पे जब ऐसा बनाओगे तो, ठीक है? Thank you.
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 में भी क्लास इंटरवल दिया हुआ है, उसको भी आप बना लोगे। उसमें हम सबसे पहले मीड वैल्यू, सेम वही प्रोसेस है यहाँ पे भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी क्या है, आपको क्या करना है, सबसे पहले सिंपल वेरिएबल्स में उसको कन्वर्ट करना है। जब भी क्लास इंटरवल दिया रहता है तो उसको सिंपल वेरिएबल्स में कन्वर्ट करना है, सिंपल वेरिएबल्स में कन्वर्ट करना है, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी वही है, सॉल्व करके देखिए क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद मुझे बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करिए, मैं वेट कर रही हूँ, फिर मुझे दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सुनाई दे रहा है मेरी आवाज सभी को? क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करिए, सबसे पहले सिंपल वेरिएबल्स में चेंज करिए, ये स्टेप डिएसएन मेथड से भी बन जाएगा, आपको बनाना है। शॉर्टकट मेथड से बनाइए सबसे पहले, सबसे इजी है। इसका फॉर्मूला क्या है शॉर्टकट मेथड का? क्या है शॉर्टकट का मेथड? कोई मतलब नहीं है आप लोगों को पढ़ने का, जब कोई आंसर नहीं दोगे क्या है, कुछ समझ नहीं आता आप लोगों को, तो कोई मतलब नहीं, मत पढ़ो। कल ही बताई हूँ ना शॉर्टकट मेथड का क्या फॉर्मूला है, लेकिन आप लोगों को कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। क्या है शॉर्टकट मेथड, दिखाई दे रहा है स्क्रीन में? ऐसी बनाओ क्वेश्चन नंबर 3 को, चलो जल्दी फटाफट बनाकर मुझे दिखाओ क्वेश्चन नंबर। क्या निकालेंगे सबसे पहले? सबसे पहले यहाँ पे क्लास इंटरवल दी है, लिखो उसको क्लास इंटरवल। पहला कॉलम क्लास इंटरवल का है 5 से 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55। ठीक है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी दी हुई है यहाँ पे, एस कितना कितना दिया हुआ, 8, 12, 15, 6, 9। ठीक है, अब आपका एन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ, पूरे को प्लस कर दो। उसके बाद एक्स निकालेंगे, जो है आपका मिड वैल्यू, यानी कि सिंपल वेरिएबल्स में कन्वर्ट करोगे। क्लास इंटरवल को सबसे पहले सिंपल वेरिएबल्स में कन्वर्ट करिए। ठीक है, कितना कितना निकलेगा सिंपल वेरिएबल्स में कन्वर्ट करना है, 5+ यानी अपर लिमिट, अपर प्लस लोअर प्लस करो, अपॉन 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 5+15 कितना हुआ, 20। 20 को 2 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा, 10 आएगा। तो सबसे पहले 10, उसके बाद 10 है, 20, 30, 40, 50। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, 3 को सेम ऐसे ही बनेगा,